हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑक्टेट और डुप्लेट रूल, बट उससे पहले हम नोबल गैसेस के बारे में कुछ जानेंगे. ठीक है, व्हाट आर नोबल गैसेस? एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 8 और 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेस. ऐसे एलिमेंट्स जो ग्रुप 8 या 18 में पाए जाते हैं, कुछ बुक्स में 8 और कुछ बुक्स में 18 लिखा हुआ है होता है ग्रुप का नंबर पे नोबल गैसेस का, सो इसके लिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है. तो ऐसे एलिमेंट्स जो ग्रुप नंबर 8 और 18 में पाए जाते हैं उनको नोबल गैसेस कहते हैं. तो नोबल गैसेस हैं हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन और ज़ीनोन. इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, इसीलिए इनको नोबल गैसेस कहते हैं. और ये जो है रिएक्ट नहीं करती हैं दूसरे एटम्स के साथ, जैसे कि ग्रुप 1 से लेकर 7 तक के एटम करते हैं. तो अभी हम देखते हैं कि नोबल गैसेज जो हैं वो रिएक्ट क्यों नहीं करती हैं. नोबल गैसेस डू नॉट रिएक्ट एज दे फॉलो ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट रूल, सो दैट इज़ वाई दे आर केमिकली इनर्ट. क्योंकि ये फॉलो करते हैं ऑक्टेट और ड्यूप्लेट रूल, इसीलिए जो है हम इनको कहते हैं कि ये केमिकली इनर्ट है. ऐसे आइटम जिनका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट जो है वो कम्प्लीट होता है वो रिएक्शन नहीं करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो ड्यूप्लेट रूल फॉलो होता है, या फिर आप बाकी सब आइटम्स में देखें तो उनके लास्ट शेल जो हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं. तो क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो पूरी तरह से फिल होता है, भरा हुआ होता है, इसीलिए जो है वो नोबल गैसेस रिएक्ट जो है वो नहीं करती हैं. तो आइए अभी हम देखते हैं कि हम ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को कैसे डिफाइन करेंगे. टू अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, जब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं आखिरी शेल में, तो कोई भी एटम जो है इसका मतलब ये होता है कि वो स्टेबल है. और कैसे स्टेबल होता है? जब वो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, तो या उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्टेबल है. इसके बाद अगर आप देखें हीलियम टू अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के तो वो ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करता है. एटम्स फॉलो ऑक्टेट और ड्यूप्लेट रूल बाय लूजिंग, गेनिंग एंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन. अब जो एटम हमारे पास ग्रुप 1 से 7 तक के हैं उनके पास लास्ट शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो वो किस तरह से स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं? नोबल गैस की तरह बनके. लेकिन नोबल गैसेस की तरह वो कैसे बनेंगे? अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, किसी से लेंगे, गेन करेंगे या फिर शेयरिंग करते हैं. तो पहले हम शेयरिंग की एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पहले शेल में, जो कि इसका आखिरी शेल भी है. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्योंकि 1 होता है तो इसके पास भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी. तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और हाइड्रोजन जो है ये वाला भी और ये भी दोनों हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे. इसी तरह से ये दोनों हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएंगे. और ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन है. इसी तरह इसके पास भी 2 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो बिल्कुल नियोन के जैसी इनकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी. तो शेयरिंग के बाद इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और सेकंड शेल में 8, इसी तरह इसमें भी. तो अब ऑक्सीजन जो है उसकी भी नियोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है. तो ये दोनों जो हैं अभी वो स्टेबल हैं, हाइड्रोजन हीलियम की तरह और ऑक्सीजन जो है वो नियोन की तरह स्टेबल हो गया है. अभी हम देखते हैं कि लूजिंग और गेनिंग के ज़रिए किस तरह से कोई भी एटम स्टेबल होता है. सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन के जैसे हो जाती है. अगर आप मैच करें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 8. इस तरह से क्लोराइड आयन कैसे बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके भी आप बिल्कुल मैच करें तो पहले शेल में 2 और दूसरे में भी 8 है और तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है. इसी तरह से क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल आर्गॉन की तरह है, और सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियोन की तरह है. तो ये दोनों जो हैं अभी नोबल गैसेस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके स्टेबल हो गए हैं, क्योंकि दोनों के शेल में अभी 8-8 इलेक्ट्रॉन है तो इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है. तो अभी हमने देखा कि किस तरह से जो है दूसरे एटम जो है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर स्टेबल होते हैं, या तो वो लूज़ करते हैं या गेन करते हैं या शेयर करते हैं. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दे सकें. अगर आप मेरा लेक्चर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो टाइप ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट रूल इन इंग्लिश. थैंक यू.